हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है कैरेमल कस्टर्ड विद मैंगो मूस। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेमल को रेडी करेंगे क्योंकि हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। कैरेमल बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में ऐड करूंगी 2 चम्मच के करीब बटर को, और बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसमें आधी कटोरी शक्कर को ऐड करेंगे। अब हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है जब तक कि हमारी शुगर मेल्ट नहीं हो जाती और इसका कलर जो है कैरमल का नहीं हो जाता, मतलब कि ब्राउन नहीं हो जाता। हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख के चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच के करीब पानी को ऐड करेंगे। इसमें पानी डालने के बाद बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके बाद तुरंत हमें गैस को ऑफ करके जिस भी बर्तन में हम कैरेमल कस्टर्ड बनाने वाले हैं उस बर्तन में इस कैरेमल को सेट होने के लिए निकाल लेना है। अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 2 अंडे लिए हैं, इन्हें मैं अच्छे से फेंट लूंगी। इन्हें अच्छे से फेंटने के बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब शुगर को ऐड करूंगी। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हो तो इसमें आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच ऐड की है। शक्कर घुल जाने तक हम इसे वापस फेंट लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास के करीब मिल्क को ऐड करूंगी। मिल्क ऐड करते समय हमें साथ ही साथ फेंटते रहना है इसे। अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप इसमें वेनिला एसेंस या रोज एसेंस भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके से हमें बर्तन चाहिए। इसमें हम इस तरीके के स्टील के या किसी भी जाली को आप रख के यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हो। मैंने फ्रिज में से कैरेमल को निकाल लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें हम हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे। आपको भी कुछ इसी तरीके से इसे बॉईल करने के लिए रख देना है 15 मिनट तक। जब तक कि हमारा कैरेमल कस्टर्ड बन रहा है तब तक हम मैंगो मूस बनाते हैं। मैंगो मूस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। इसमें से हमें थिक पार्ट ही चाहिए, लिक्विड पार्ट हम इसमें नहीं लेंगे। फ्रेश क्रीम को यूज करने से पहले मैंने 1/2 घंटा इसे फ्रिज में रखा था। उसके बाद हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े करके हम इसमें पाउडर शुगर को ऐड करते जाएंगे। 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमूल मिठाई मेड। इससे हमारे मूस में एक रिच टेस्ट आएगी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच फ्रेश मैंगो पल्प। अब इन सब को हमें अच्छे से मिला लेना है और बहुत देर तक अच्छे से हमें इसे विस्क करना है, फेंट लेना है, जब तक कि ये हमारा जो बैटर है ये लाइट फ्लफी नहीं हो जाता। जब ये इस तरीके से फ्लफी हो जाए, लाइट हो जाए, तब हमारा मूस रेडी है। इसे हमें फ्रिज में सेट करने के लिए रख देना है 30 मिनट्स तक। अब हमारा कैरेमल कस्टर्ड रेडी है। कुछ इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसे निकाल लिया है। फ्रेश मैंगो और मैंगो मूस के साथ हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। हमारा कैरेमल कस्टर्ड विद मैंगो मूस रेडी है। ये बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। बहुत ही इजी है बनाने के लिए और बहुत ही अच्छी टेस्ट है इसकी।